दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे शैतान के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के अब तक की टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 15 करोड़ 20 लाख का नेट कलेक्शन किया, तो दूसरे दिन में 19 करोड़ का, तीसरे दिन में 20 करोड़ 80 लाख का और अपने चौथे दिन मैंने सोमवार के दिन में लगभग 7 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, जिससे इस फिल्म के 4 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 62 करोड़ हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 74 करोड़ 10 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज लगभग 13 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 4 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 87 करोड़ 10 लाख हो चुके हैं। दोस्तों बात करें इस फिल्म के पांचवें दिन के कलेक्शन की, ये फिल्म अपने पांचवें दिन में इंडिया में लगभग 5 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 55 करोड़ है। इस फिल्म ने अपना बजट रिकवर कर लिया, फिल्म प्रॉफिट में आ चुकी है। 3-4 दिनों में इस फिल्म को क्लीन हिट का टैग भी मिल जाएगा। फरवरी में कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही, जिसके चलते इस फिल्म को फायदा मिलेगा और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर भी हो सकती है। बात करें दोस्तों इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 7.8 रेटिंग मिले। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी, आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।